नाजरीन, पहले हम मोल्ड के ऊपर वैक्स लगाएंगे। डिज़ाइनिंग के अंदर अच्छी तरह वैक्स लगाएं, बेहतर है आप ब्रश के साथ लगा लें। और हमारी ये डाई जो है रवा हो चुकी है, अब इसके ऊपर हम बस सरसरी तौर पर ही वैक्स लगाएंगे। वैक्स लगाने के बाद इसे कपड़े के साथ साफ़ करें, किस पास से लगनी है पट्टी, वैक्स को साफ़ कर लें अच्छी तरह। उसके बाद इसके ऊपर पीवीए लगेगा। पीवीए जो केमिकल है, इसके अंदर हम पानी भी मिक्स कर सकते हैं। अगर वो गफ हो, गाढ़ा हो, तो उसके अंदर आप हाफ पानी डालकर उसको थोड़ा पतला कर लें ताकि वो जल्दी सूख जाए। नाजरीन, ये पीवीए सूख चुका है। अब इसके ऊपर हम जेल कोट लगाएंगे। चीज़ जो है ये वाइट कलर का तैयार करना है, और इसके लिए हमने वाइट कलर का जेल कोट तैयार किया है। ये है जेल कोट। जेल कोट के अंदर एमी के पी डाल के अच्छी तरह मिक्स करें। एक कैल्शियम प्रोटीन जो है ना, हमने थोड़ी लिक्विड बनाई है ताकि हमारे जेल कोट में कोई मिसिंग है तो वो भी कवर कर जाए। इसे लिक्विड बनाने का यही मकसद है। अब इसके ऊपर हम मैट लगाएंगे। ये मैट हमने इस पीस के साइज़ के पहले ही कटिंग करके रखे हुए हैं। मैं काम ये हमने रेजन लिया, अब उसी पटीन वाले प्याले में हमने रेजन डाल दिया। दूसरी लेयर लगाएंगे। ये पीस हम सिर्फ दो लेयरों में तैयार करेंगे ताकि हमें वेट कम चाहिए। नाजरी, ये हमारी लेमिनेशन हो चुकी है। अब इसे हम सूखने के लिए वक्त देंगे, उसके बाद इसकी ओवर कटिंग करेंगे। 50% जब ये जल हो जाएगा तब इसकी हम ओवर कटिंग करेंगे। नाजरी, ये पीस हमारा हल्का सा जल हो गया, तकरीबन 50%, इसकी हम ओवर कटिंग करेंगे।
नाजरी ये हमारा पी जो है ये सूख चुका है, अभी से हम डाई से बाई निकालेंगे, तो देखते हैं। ले नाजरी ये हमारा पीस तैयार हो चुका है, ये हमारा बोल्ड है जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था, और ये इसका जन पीस तैयार हुआ है, और ये जो है इसका जनमन दरवाज़ा है। इसकी बैक साइड अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसकी बैक साइड है, ये इसका जनमन पीस है, और ये हमने वाइट कलर में इसको तैयार किया है, इसको और इसको मुलायदा करें जो सेम है बिल्कुल। इसका रंग थोड़ा येलो हो गया है वक्त की वजह से, और ये हमने पीस काफ़ी तैयार किए हैं नीचे वाले दरवाजे के।